तो फाइनली दोस्तों द केरला स्टोरी इस साल की एक ऐसी अंडरडॉग मूवी जिसने आज शानदार तरीके से अपनी जीत में 31 दिन पूरे कर लिए हैं। यस, इस साल की मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी एंड बिसाइड इट आल्सो मोस्ट लवेबल मूवी। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पब्लिक की तरफ से अभी भी कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, मूवी और कितना कमा सकती है, सब जानेंगे उस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी ऐसे रियल एंड मसालेदार कॉन्टेंट के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं तो किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि फिल्म इतने लंबे समय तक सिनेमाघरों में राज करेगी, और आज इसने साबित कर दिया कि जरूरी नहीं बड़ा चेहरा हो, बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, ज़्यादा बजट हो, बस कंटेंट में दम होना चाहिए और आपकी जीत आपके कदमों में। जी हाँ, आज शानदार तरीके से अपने 31 दिन कंप्लीट करके इस फिल्म ने जीत की जबरदस्त हुंकार भरी है, और अभी भी मूवी जबरदस्त तरीके से दम में चल रही है, ना कि सिर्फ सिनेमाघरों में लेकिन कमाई के मामले में मूवी अब स्लो डाउन हो चुकी है, आंकड़ा रोज अब गिरते जा रहा है, और पठान के बाद सिनेमाघर में इस साल की दूसरी फिल्म है जो लंबे समय तक टिकी हुई है। दोस्तों जो भी मूवी को देखकर थिएटर से बाहर आ रहा है उसकी रूह कांप जा रही है, क्योंकि ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इज अमेजिंग एंड वेरी प्योर। बहुत सी जगह ऐसे ब्रूटल सीन्स हैं जो बड़े बड़े पर्दे पर अधिकतर फिल्टर करके दिखाए जाते हैं, लाइक कश्मीर फाइल जिसमें भयंकर लेवल की ब्रूटैलिटी तो थी लेकिन 5% भी उसका ढंग से दिखाया नहीं गया था, पर इस मूवी में आपको काफी रियलिटी देखने को मिलेगी, इसलिए लोग इसे पसंद भी खूब कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अदा शर्मा के मेन लीड रोल में बनने वाली द केरला स्टोरी इसके सपोर्टिंग कास्ट भी दमदार है। जी हाँ, सिद्धि इदनानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी जैसे दिग्गज स्टार आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिद्धू सेन के डायरेक्शन में लगभग 35 से 40 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली फिल्म द केरला स्टोरी एक रियल एंड ब्रूटल इंसिडेंट पर आधारित फिल्म है, जिसने अपने पहले ही दिन एक हिस्टोरिकल ओपनिंग के साथ अपने पहले 3 दिन में ही 35 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रखा था, और अपने पहले ही हफ्ते में 81 करोड़ 50 लाख से ऊपर का जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड भी किया था। इसी के साथ दूसरे हफ्ते में भी 90 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखा था, और तीसरे वीक में 41 करोड़ 75 लाख से ऊपर का जबरदस्त कलेक्शन करके हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था, और इस फिल्म ने साबित कर दिया था कि बॉक्स ऑफिस के मामले में यह किसी के बाप से नहीं रुकने वाली थी। दोस्तों जहां इस फिल्म ने अपने 27वें दिन तक लगभग 232 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया था, वहीं अपने 28वें दिन 1 करोड़ 30 लाख, 29वें दिन 1 करोड़ 50 लाख, 30वें दिन 1 करोड़ 40 लाख, 31वें दिन 2 करोड़, और कल यानी 32वें दिन में लगभग 70 लाख की कमाई अपने खाते में रखी थी। और अब कमाई के मामले में ग्रोथ बहुत स्लो होते दिख रही है। बात करिए यानी डे 33 में कैसी ग्रोथ है, तो यस अब सोच इतने नहीं मिल रहे मूवी को, क्योंकि हाल ही में रिलीज फिल्म जरा हटके जरा बचके ने काफी सोच खाए हैं, तो एंड ऑफ द डे शायद से शायद 70 लाख का ही कलेक्शन आज भी कर पाएगी मूवी। इसी के साथ एंड ऑफ द डे लगभग 237 करोड़ 54 लाख से ऊपर एंट्री मान लेगी मूवी अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, और इसी के साथ द पठान के बाद इस साल की सेकंड बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी बनेगी। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी द केरला स्टोरी फिल्म को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दूसरा, द केरला स्टोरी ये फिल्म इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है? साथ ही ये फिल्म और कितना दिन सिनेमाघर में टिकेगी? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।